Hey guys! But ये जब मैंने साइट पे देखा था, I was in love with कि मुझे ये स्कर्ट तो चाहिए ही चाहिए। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Marsidi Chawla and I am back with another haul video. And this time I am doing Zara H&M haul. Now I am very much excited for this video because this is the first time I am bought something from a Zara. And because Zara is very expensive and Shein बंद हो गया, तो I thought let me just explore Zara. And I really happy with the whatever product I have purchased. So yeah, and Zara पे अभी सेल खत्म हो गया and whatever I bought from Zara, इसमें से एक ही चीज है जो मुझे सेल में मिला था, बाकी सारे चीजें मैंने सेल के बाद बाय की थी. एंड H&M में अभी भी 70% ऑफ सेल चल रहा है, सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो या नाउ विदाउट ब्लैबरिंग मच लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द जारा. जो एक प्रोडक्ट मुझे सेल में मिला था वो ये वाला प्रोडक्ट है. दिस इज द स्कर्ट, इट इज अ मिनी स्कर्ट. एंड ये स्कर्ट मुझे कब से ही चाहिए था बट मेरे साइज में अवेलेबल ही नहीं था. आई एम इन साइज स्मॉल, सो ये कब से ही सोल्ड आउट दिखा रहा था इन माई साइज, तो आई वॉज वेरी सैड. बट अचानक पता नहीं एक दिन मेरे साइज में पता नहीं किसी ने एक्सचेंज या रिटर्न क्या किया था, तो ये एक लास्ट पीस अवेलेबल था, तो मैंने तुरंत ही बाय कर लिया था. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज. एंड ये आया उसके बाद बाकी के सारे मैंने ऑर्डर किए थे बिकॉज आई वॉज ऑर्डरिंग फर्स्ट टाइम फ्रॉम जारा. सो मैंने ऐसा सोचा था कि पहले मैं कुछ एक स्टफ बाय करती हूँ, देन आई विल बाय सम मोर स्टफ. सो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था फ्रॉम जारा एंड ये सेल में था. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस स्कर्ट इज 3000 रुपीज एंड मुझे पड़ा है सिर्फ ये 590 रुपीज में, विच इज वेरी चीप. मटीरियल ऑफ दिस स्कर्ट इज अमेजिंग. इट इज थिन बट इट इज नॉट एट ऑल सी थ्रू. एंड इसका ये जो कलर है लाइक पाउडर ब्लू, लाइट ग्रीन एंड पिंक एंड सो मेनी कलर्स आर देयर. आई एम नॉट इन टू सो मच प्रिंट, स्पेशली स्मॉल प्रिंट. मैंने साइट पे देखा था, आई वॉज इन लव विद कि मुझे ये स्कर्ट तो चाहिए ही चाहिए. एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये स्कर्ट बाय कर दिया एंड इट इज सो चीप. सो आई एम रियली हैप्पी विद द स्कर्ट. एंड इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है एंड इट इज लाइक स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ है, सो आपके बॉडी को एक अच्छा सा शेप देता है, विच आई एब्सोल्युटली लाइक अबाउट दिस स्कर्ट. सो या दिस इज सो फार माई फेवरेट परचेज फ्रॉम दिस एंटायर हॉल. सो या ओके, सो द सेकेंड प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम जारा इज दिस बेज कलर मिडी लेंथ स्कर्ट. नाउ आई एम मोर इन टू अ स्कर्ट देन अ डेनिम एंड आई रियली लाइक स्कर्ट बिकॉज स्कर्ट को यू कैन इजिली एबल टू ड्रेस अप और ड्रेस डाउन. एंड स्कर्ट इज अ मोर वर्सिटाइल थिंग. राइट नाउ मिडी लेंथ के जो स्कर्ट है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, इवन मिडी लेंथ ड्रेस. सो दैट इज वाई आई गॉट दिस एंड इट लुक्स वेरी क्लासी एंड दिस इज इन अ रिब्ड मटेरियल एंड स्ट्रेचेबल भी है. एंड ये मिडी लेंथ का है बट आई एम ओनली 5'2", सो ये मुझ पर लाइक नीचे तक जाता है बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज ये मैं इसको फोल्ड करके मिडी लेंथ का कर सकती हूँ. सो आई एम इन साइज एस एंड आई गॉट दिस स्कर्ट अराउंड लाइक 1590 रुपीज एंड ये अभी भी अवेलेबल है ऑन देयर साइट एंड द मटेरियल इज सो सो अमेजिंग. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस स्कर्ट. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम जारा इज दिस फूशिया पिंक क्रॉप टॉप टैंक टॉप. सो ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ऑन कैमरा बट इन रियल ये मुझे अच्छे से परफेक्टली फिट हो रहा है. एंड यूजुअली आई डोंट लाइक वेयर पिंक कलर बिकॉज आई फील कि पिंक मुझ पर इतना सूट नहीं करता है बट आई वॉन्ट टू लिटल एक्सपेरिमेंट विथ माई स्टाइल. सो दैट इज वाई आई बॉट दिस पिंक टॉप. एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक दिस टॉप, यानी कलर भी मुझ पर अच्छा ही लग रहा है, सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. बट ये ऐसा कट है यहाँ से, सो दैट इज माई बूब्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द साइड. सो दैट This is the one thing which I don't like about this top, but I guess I am going to use this top to layer करने के लिए. So कोई jacket या blazer उसके ऊपर layer कर दूंगी, so that is not a big problem. And this is in a size small and ये मुझे 390 का पड़ा है, so according to the price it is like a good purchase. So I am happy with this tank top purchase. Okay, so the last product I bought from this Zara is this black color crop top which I am wearing and I absolutely love with this crop top because whenever I wear this crop top I feel so sexy and I feel like I am going to buy this kind of a crop top more and this I can style in a so many different ways. And I know काफी सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा स्किन शोइंग है बट यू कैन लेयर दिस. आप ब्लेजर भी पहन सकते हो, जैकेट एंड आप टी शर्ट भी डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो एंड इवन यू कैन वेयर दिस एज अ ब्लाउज विथ अ साड़ी. सो यू हैव अ सो मेनी डिफरेंट ऑप्शन टू स्टाइल दिस क्रॉप टॉप एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस क्रॉप टॉप इन सो मेनी डिफरेंट वेज. एंड ज़ारा पे ऐसे बेसिक टॉप एंड क्रॉप टॉप बहुत इजिली अवेलेबल होते हैं इन सो मेनी डिफरेंट लाइक पैटर्न्स एंड एवरीथिंग. सो प्लीज चेक दैट आउट इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस काइंड ऑफ अ क्रॉप टॉप. तो ज़ारा पे बहुत अच्छे क्वालिटी पे अवेलेबल है. सो दिस इज
is in a size small and I got this crop top around like a 790 rupees. So which is decent according to the crop top. So I am in love with this crop top. So yeah. Okay, so here we are done with the Zara haul. And this is the first time I bought from a Zara. इसलिए मैंने थोड़ा buy किया था. But I guess next time I will buy some more stuff from a Zara. So yeah, please wait for my next Zara haul video. Okay, so let's start with the H&M haul. And the first product I got from H&M is this amazing blazer. It is a double breasted blazer and the original cost of this blazer is a 3000 rupees and because ye sale mein tha to mujhe ye 1299 pe pada hai, so which is very 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 cheap according to a blazer, because 1300 ka blazer milna it is very difficult. So it has a shoulder pad which makes your body looks very structured and quality and material is amazing. So I absolutely like this blazer a lot. So this is in a size 4. Now 4 size mujhe usually nahi hota hai, but maine jab pehna tab mujhe ekdam अच्छे से फिट आ गया था. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि 4 साइज मुझे कैसे आ सकता है फ्रॉम H&M. ये लास्ट पीस ही था तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एक लास्ट पीस था और वो मुझे परफेक्टली हो गया है. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस ब्लेजर परचेज एंड अभी नाउ विंटर इज कमिंग सो आई कैन स्टाइल दिस ब्लेजर इन सो मेनी डिफरेंट वे. सो आई एम हैप्पी विद दिस ब्लेजर परचेज एंड द ब्लेजर इज सो इनएक्सपेंसिव. आई फील सो प्राउड कि मैंने इतने सस्ते में अच्छा सा ब्लेजर खरीद लिया है. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लेजर. सो आई बॉट वन मोर ब्लेजर फ्रॉम H&M एंड दिस इज द ब्लेजर. इट इज इन अ येलो कलर. आई नो फॉर सो मेनी पीपल इज लाइक ब्लेजर इन अ येलो कलर, बट आई ऑलरेडी हैव अ ब्लेजर इन अ बेसिक कलर, ब्लैक व्हाइट और वो सारे कलर में है. तो आई थॉट कि लेट मी ट्राई सम फन कलर इन ब्लेजर. एंड ये ब्लेजर का जो येलो कलर है वो चटाक येलो नहीं है. दिस इज इन अ लाइटर शेड ऑफ अ येलो और थोड़ा सा लेमनी येलो है विच आई एब्सोल्युटली लाइक. ऐसे आंखों में किसी को चुभे वैसा वाला येलो नहीं है. सो विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ब्लेजर. एंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस ब्लेजर is a 3000 rupees and ye mujhe pada hai 1788 rupees mein. So ye wala blazer mujhe 1300 mein pada hai and this blazer cost me like a 1800. So iska size hai 10 and iska size hai 4. I know 4 and 10 is like a huge size gap, but ye blazer bhi mujhe bahut acche se ho raha hai. So usually in a blazer I am size 8 in a H&M section. Isme 10 aur 12 hi available the, to I thought ki ye bahut zyada sasta hai and it is in a yellow color. So I thought कि लेट मी जस्ट बाय 10 साइज है तो भी क्या हुआ. आई विल फिगर इट आउट कि कैसे इसको करना है. ओवर साइज होगा तो आई विल स्टाइल दिस इन अ डिफरेंट वे. एंड मैंने ये बाय किया. टू बी ऑनेस्ट ये मुझे बहुत अच्छे से सूट हो रहा है. इट इज नॉट अ ओवर साइज, इट इज लाइक अ परफेक्ट. सो इफ यू आर बाइंग ब्लेजर फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज गो फॉर लाइक अ ब्लैक व्हाइट एंड ऑल दोस न्यूट्रल कलर, बिकॉज मेरे पास बेसिक सारे कलर है. दैट इज वाई आई बॉट दिस फन येलो कलर. एंड आई नो कि आई मेक सो मच स्टाइलिंग वीडियो, सो दैट इज वाई आई कैन मेक मोस्ट यूज आउट ऑफ इट. एंड मैं कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले सोचती हूँ कि इफ आई कांट एबल टू स्टाइल this thing in a 10 different ways then I don't buy anything. So that is why I got this blazer and I absolutely love with this color because yellow is my happy color. So I am very happy with this purchase and I got this in a sale like a 1800 rupees and according to the blazer the price is very cheap. So yeah, I am really happy with my purchase. Okay, so since we are talking about the fun color, the next thing I bought from my H&M is this pink color skirt. And ye skirt buy karne ka ek hi reason tha, because the original price of this skirt is a 2300 rupees and ye sale pe mujhe 799 ka mila tha. To I was like, the material of this skirt is a silk satin, to mujhe aisa hone laga ki silk satin material hai and itna cheap hai, so let me just buy it. And I love skirt, to maine socha ki let me just experiment with my colors. So that is why I got this skirt. So jab maine ye pehna, that time I realized ki ye kitna beautiful स्कर्ट है एंड आई एब्सोल्युटली लाइक दिस स्कर्ट अ लॉट. एंड स्पेशली जो ये मैंने टॉप पहना इसके साथ ये स्कल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो मैंने कुछ नया कलर ट्राई किया. एंड आफ्टर ट्राइंग पिंक कलर आई एम थिंकिंग टू बाय सम मोर फन कलर. इन द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस स्कर्ट, इट हैज दिस टाई अप डिटेल इन फ्रंट, जो मैं शायद अंदर डाल के इसको पहनूंगी बिकॉज आई डोंट रियली फैन ऑफ दिस टाई अप थिंग. दैट आई विल फिगर इट आउट. एंड अदरवाइज द स्कर्ट इज रियली ब्यूटीफुल एंड इट इज इन मिडी लेंथ. सो आई एब्सोल्युटली लव मिडी लेंथ के जो सारे ड्रेसेस and skirt hote hai and it looks very classy. So I am happy with my this purchase from H&M. Okay, so the last product I got from H&M is this chain and I know you have seen this chain wearing me in my so many videos and actually I am in love with this chain because जब ये ट्रेंड आया था, दैट टाइम आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दिस बपीदा काइंड ऑफ अ ज्वेलरी ट्रेंड, बट सो मेनी फैशन ब्लॉगर आर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ अ ज्वेलरी एंड उन पे बहुत अच्छा लगता था. तो आई थॉट कि लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई. एंड मैं ये मैंने बाय किया है, तब से आई एम इन जस्ट लव विद दिस काइंड ऑफ अ ज्वेलरी एंड आई एम थिंकिंग टू बाय इन अ सिल्वर कलर.
कलर ऑल्सो, बट ये मैंने H&M पे बाय किया था एंड दिस कॉस्ट मी 800 rupees. आई नो इट इज अ लिटल बिट एक्सपेंसिव फॉर लाइक दिस काइंड ऑफ अ चेन, बट बिकॉज इट इज इन अ ट्रेंड तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है. एंड एक्चुअली जारा में तो बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 1300 का है. सो H&M पे ये ऑलवेज सोल्ड आउट रहता है, दैट इज वाई इट इज इन सो मच ट्रेंड कि सारे लोग यही अभी तो इंस्टाग्राम पे पहनते हैं. दिस एंड दिस काइंड ऑफ अ सिमिलर लाइक अ डेंटी ज्वेलरी इज अवेलेबल ऑन अ नायका, एंड देर इज वन इंस्टाग्राम अकाउंट जोकर एंड विच करके एक अकाउंट है ऑन इंस्टाग्राम. वो अकाउंट पे भी ऐसे काइंड ऑफ अ ज्वेलरी बहुत अच्छे से मिल जाता है. सो आई एम थिंकिंग टू बाय दिस इन अ सिल्वर कलर ऑल्सो बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस काइंड ऑफ अ डेंटी ज्वेलरी. सो या ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय वॉचिंग माई शॉपिंग हॉल वीडियो. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच इज योर फेवरेट प्रोडक्ट. एंड इफ यू एंजॉय वॉचिंग माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. फॉर मोर लाइफ अपडेट एंड बिहाइंड द सीन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम रियली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. लाइक ऑन अ डेली बेसिस आई अपलोड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम. सो प्लीज फॉलो मी देयर. टिल देन टेक केयर, ईट हेल्दी एंड बाय.